अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये एलसीडी टीवी है 42 इंच का, तो इसमें ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ये रेड लाइट ऑन है, ये इसका पावर का बटन है, ठीक है। तो इसको प्रेस करते हैं तो इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। ये इसमें फॉल्ट है। तो ये इसका टीकोन बोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें एक जब हम ये इसमें यहाँ पे दो चेक लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट मिल रहे हैं इसको, ठीक है, बोर्ड को। तो ये LVDS का है, ठीक है, LVDS के लिए, सिर्फ LVDS के लिए, ठीक है। यहाँ पे 24 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट हैं और 3.3 वोल्ट हैं, ठीक है। तो जब हम इस जैक को ओपन करते हैं तो हमारी बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो जब हम यानी कि स्टैंड बाई इसकी ओपन हो जाती है, जब ये इस जैक को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे तो ऐसा होता है कि सम टाइम के इसकी जो स्टैंड बाई है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो बैक लाइट हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। तो जब भी जब आप देख सकते हैं मैंने इस जैक को रिमूव किया तो अब इसकी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है, स्टैंड बाई ओपन हो चुकी है, बैक लाइट भी इसकी ऑन हो चुकी है, ठीक है। इसकी बैक लाइट भी ऑन हो चुकी है, स्टैंड बाई इसकी ओपन हो चुकी है। लेकिन जब हम इस दोबारा से इसको इस जैक को दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो स्टैंड बाई वो दोबारा स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ये मैंने जैक को ऐड कर दिया, वो रेड लाइट ऑन होगी, ठीक है। तो अभी कभी रेड और ब्लू, ठीक है, ये इसमें फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्लिंक करती है रेड लाइट, रेड और ब्लू होती जाती है, ठीक है। इसकी बैक लाइट भी ऑफ हो चुकी है। तो अभी मैं दोबारा से इसको चेक को ओपन करने लगा हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया चेक को, तो आप देख सकते हैं बैक लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट जो अभी ट्रेस करना पड़ेगा कि क्या पावर सप्लाई में फॉल्ट है या कि इसके बोर्ड में फॉल्ट है, ये तो अभी देखना पड़ेगा, ट्रेस करना करेंगे हम क्या हर इसमें क्या फॉल्ट है कि जब हम इस जैक को ओपन कर लेते हैं तो बैक लाइट इसकी स्टैंड बाई ओपन हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंड बाई इस वक्त ओपन है, लेकिन जब ये जैक को ऐड करते हैं, लगा लेते हैं इसके ऊपर जहाँ पे ये जैक लगा हो, तो इसकी जो स्टैंड वो दोबारा स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट ऑफ हो चुकी है, ये जैक मैंने लगा दिया। अब दोबारा से जैक को मैं ये जैक को मैंने लगा एंड ओपन किया तो बैक स्टैंड बाई इसकी ओपन होगी। तो चलो इसको देख लेते हैं, ट्रेस करते हैं हक्का हर इसमें ये क्या फॉल्ट है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फॉल्ट ट्रेस किया, फॉल्ट है इसकी पावर सप्लाई में, ठीक है, इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो जो कि अभी मैंने इसको एक कैपेसिटर ख़राब था स्टैंड बाई के ऊपर, तो वो मैंने चेंज किया, तो बिल्कुल हमारा सेट जो है वो ओके हो गया। मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले हम इसके पॉइंट चेक करते हैं स्टैंड बाई के, ठीक है। ये इसके ये स्टैंड बाई को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें मिलने चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है। ये स्टैंड बाई का बटन है, ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये आ रही है यहाँ पे केबल, ठीक है। ये स्टैंड बाई का पॉइंट है यहाँ पे, ये कैपेसिटर लगा हुआ है 10 वोल्ट का, इसके अलावा एक ये कैपेसिटर 10 वोल्ट का, ये डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ से ये 5 वोल्ट देता है और ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट आ रहे हैं दोनों, ये पॉइंट स्टैंड बाई का यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, 10 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, 100 UF 10 वोल्ट के, तो इनमें से एक ख़राब है ये वाला, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टैंड बाई है वो ओपन नहीं होती थी। जब इसके ऊपर लोड पड़ता था तो वो स्टैंड बाई सेट स्टैंड बाई मोड में चला जाता था। जब मैं इसका ये जैक पैनल वाला जैक ओपन कर रहा था तो इसकी जो बैक लाइट है वो ऑन हो जाती थी, यानी कि स्टैंड बाई हमारी ओपन हो जाती थी। तो जब स्टैंड बाई ओपन होती थी तो यहाँ पे जब हम की को प्रेस करते थे या रिमोट से इसको ऑन ऑफ करते थे तो की वर्क नहीं करती थी, ना रिमोट इसमें वर्क करता था, ठीक है। तो अभी मैंने ये कैपेसिटर चेंज करने लगा हूँ, अभी दोबारा से मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ, ठीक है। ये स्टैंड बाई
का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट इसको मिलेंगे स्टैंड बाई को, फिर ओपन होगी। तो यहाँ पे वोल्ट मिलते थे 2 पॉइंट समथिंग, फिर आस्ता आस्ता 5 पे चले, 3 पे, फिर 4.5 पे, 5 पे, जब 4.5 पे पहुँचते थे तो सेट हमारा ऑन हो जाता था। ठीक है, तो ये कैपेसिटर मैंने ऑलरेडी रिमूव किया है इसमें, तो अभी मैं इसको दोबारा सेट करने लगा हूँ, देख सकते हैं इसको हम लगा देते हैं फिर। तो जी ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये कैपेसिटर रिमूव किया था तो अब मैंने लगा दिया इसमें। ठीक है, ये वाला, तो अब हम इसको स्क्रू लगा लेते हैं। तो अभी मैं इसको पावर देने लगा हूँ, आप देख सकते हैं ये जैक लगे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये पहले तो ये मैं जैक को ओपन करना करता था पैनल का जैक है, ये पैनल को वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे LVDS के लिए। ठीक है, तो जब मैं इसको ओपन करता था तो हमारी स्टैंड बाई ओपन हो जाती थी, बैक लाइट इसकी ऑन हो जाती थी, लेकिन दोबारा से जब इसको ऐड करते थे तो हमारी जो स्टैंड बाई सेट जो स्टैंड बाई में चला जाता था। तो अभी मैंने ये कैपेसिटर चेंज कर दिए, ये स्टैंड बाई के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टैंड बाई का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इस चौक के ऊपर, तो मैं अभी इसको पावर देने लगा हूँ। तो ये मैंने पावर दे दिया, तो भी अब ये इसका आप देख सकते हैं ये सेट अभी स्टैंड बाई मोड में। ठीक है, तो अभी मैं की को प्रेस करने लगा हूँ यहाँ से, ये इसका बटन लगा हुआ। ठीक है, ये बात, तो ये आप देख सकते हैं इसकी ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, और इसकी बैक लाइट भी ऑन है, इसकी बैक लाइट भी ऑन हो चुकी है, और साथ में आप देख सकते हैं ये भी चेक भी इसका ऑलरेडी लगा हुआ। ठीक है, अभी हम इसकी इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, क्या हमारा सेट जो हमें डिस्प्ले भी दे रहा है या कि नहीं। ठीक है, ये अब हमें चेक करना थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा ये वज़न बहुत ज़्यादा है इस सेट का, तो आप देख सकते हैं ये सेट हमारा ऑन है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट बस अभी हम जब चेक करेंगे तो इसकी की भी वर्क करेगी। ठीक है, पहले जो इसकी जो की थी वो काम नहीं करती थी, तो ये मैंने प्रेस किया तो सेट हमारा स्टैंड बाई मोड में चला गया। ठीक है, अभी यानी कि हमारा सेट इस वक्त बिल्कुल ओके है। अब दोबारा से इसको स्टैंड बाई ओपन करने लगा हूँ, आप देख सकते हैं स्टैंड बाई इसकी ओपन हो चुकी है। ठीक है, सेट हमारा इस वक्त ओके है।